हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा दूसरा दिन, ये है ब्लॉक नंबर 2 यानी पार्ट 2। तो हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ हम जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने। और ये है हमारा पूरा का पूरा महिला मंडल। ये देखिए सारा का सारा महिला मंडल जो आपने देखा अभी, और वो आ रहे हैं हमारे पीछे एडमिन साहब आ रहे हैं अपने पापा के साथ, उनके बेटे के साथ, और है कुछ लोग हमारे टीम के ही मेम्बर उनके साथ। और ये सब आ रहे हैं और हम जा रहे हैं सुबह सुबह राम मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि हमने तो पहले वाले पार्ट में रात को ही कर लिए थे, बट अब टीम के साथ जाना तो बनता है, तो हम भी आ गए हैं टीम के साथ। और ये है देखो, ये जा रहे हैं हमारे एडमिन साहब, वो जा रहा है रोहित वहाँ पे, महिला मंडल आगे वेट कर रहा है हमारा। ओहो, तो ये हो रहा है, मुझे लगा महिला मंडल वेट कर रही है, पर महिला मंडल वेट के साथ साथ अपना काम भी कर रही है। ये कर रही है तिलक, यानी तिलक करवा रही है, ये अपने माथे पे लगवा रही है तिलक, और सब ने लगवाया है जय श्री राम लिखा हुआ तिलक। और मुझे लगता है हर हिंदू भाई को माथे पे सदैव तिलक लगा के रखना चाहिए, इसे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, मज़ा आता है, दिन अच्छे जाते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ गए आगे। तो ये देखो, ये सारी की सारी रेलिंग लगी हुई है, और इसी रेलिंगों को पार करते हुए हम चले जाएंगे मंदिर के भीतर। और यहाँ हमने जब रात को देखा तब उतनी भीड़ नहीं थी, पर मुझे लगता है कि सुबह सुबह हमें भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे राम भक्त हैं जो दर्शन को दूर दूर से आए हैं, और वो सब मॉर्निंग में ही आते हैं, तो उस हिसाब से हमें भीड़ मिलने के चांसेस है। और ये है हमारे एडमिन साहब और हमारी टीम। ये देखो रोहित आगे चला गया है और टीम आ रही है पीछे, और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच जाएंगे राम मंदिर के भीतर, और हमें दर्शन हो जाएंगे प्रभु श्री राम जी के। मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हुआ, हुआ तो कुछ नहीं है, हुआ थोड़ा सा जुकाम है, और जुकाम की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी या थोड़ी अजीब सी लग रही है। पर कुछ भी कहो दोस्तों, जो भी हुआ हो, आ तो मज़ा ही रहा है, क्योंकि राम जी के दर्शन करने हैं तो मज़ा तो आने ही वाला है। हम टीम के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते ही देखो ये आगे सामने भीड़ मिलेगी हमें थोड़ी सी, तो थोड़ा बहुत वेट करना भी पड़ेगा, और वेट करते करते हम पहुँच जाएंगे मंदिर के अंदर, और दर्शन हमें हो जाएंगे प्रभु श्री राम के। तो हम सारे के सारे आगे जा रहे हैं, और ये देखिए भीड़ तो यहाँ बहुत है, मतलब कि है भीड़ तो लगी हुई है। बाहर भी देखो लोग जो मंदिर में जाकर आ गए हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं अंदर। काश कि ऐसा हो पाता, मैं यहाँ बजा सकता कोई अच्छा सा राम जी का भजन, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कॉपीराइट और कॉपी क्लेम वगैरह आते हैं। और ये है हमारी टीम जो पूरी आगे बढ़ती हुई आ गई है यहाँ पे। ये देखिए हमारे साहब एडमिन आगे चल रहे हैं, और ये पूरी की पूरी हमारी टीम आ रही है, ये पीछे ये महिला मंडल, और यहाँ हो रही है थोड़ी ज़्यादा ही भीड़। तो इस भीड़ के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि ये भीड़ जब कम होगी तभी हमारी एंट्री अंदर मंदिर में हो पाएगी। तो ये देखिए वहाँ देखिए दूर तक बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है, और ये हो गए हमें एंटर मंदिर के अंदर। और यहाँ हम सब करने लगे हैं अपने अपने फ़ोन इकट्ठा, क्योंकि हमें ये सारे फ़ोन पर्स वगैरह जो भी इनके रेगुलेशन रूल्स हैं वो सारे उन हिसाब से हमें फ़ोन वगैरह जमा करवा देना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जमा करवा देंगे। वो सारी टीम वहाँ खड़ी है, और ये देखिए विजयलक्ष्मी, एडमिन साहब, रोहित, और हम चले गए लॉकर के पास, क्योंकि हमें यहाँ जमा करवा देने हैं हमारे सारे के सारे फ़ोन, ताकि हम आगे मंदिर में जा सके, क्योंकि मंदिर में ये ले जाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने करवा दिए सारे के सारे जमा। ये लो दोस्तों, तो हम आ गए हैं मंदिर से बाहर, हमारे दर्शन हो गए हैं। हम दर्शन करने में थोड़ा टाइम तो लगा था, पर अंदर कोई फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हम फ़ोन भी हमारे पास थे नहीं थे, तो हम आ गए हैं मंदिर के चौक में, और चौक में खिंचा रहे थे फ़ोटो, और फ़ोटो वोटो हो गई, और अब हम जा रहे हैं मंदिर के बाहर की ओर। ये है हमारी पूरी की पूरी टीम, ये देखिए सारी की सारी हमारी टीम जा रही है, और ये आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है, भीड़ तो बहुत थी अंदर। और हम जा रहे हैं अब मंदिर से बाहर की, और हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं, और सब ने अपने अपने हिसाब से सबसे जो भी मांगना था भगवान से सब ने मांग लिया है भगवान से। आई होप जय श्री राम, भगवान उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, जिसके कारण वो यहाँ आए हैं, दर्शन करने आए हैं, मन्नत मांगने आए हैं, जो भी है सब पूरी हो जाए इनकी।
और ये है हमारी टीम। अब टीम बाहर आ गई है और ये है पूरा का पूरा मैदान, यानी कि जो मंदिर का चौक बोलते हैं वो। अभी इसमें काम तो बहुत बाकी है। और ये देखिए राजस्थानी महिलाओं की पहचान, वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकती है, उन्हें ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नहीं है वो नहीं है, ये सब एडजस्ट कर सकती है। ये आप देख रहे हैं और राजस्थानी भाई लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। ये देखिए और ये पीछे कुछ लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं भगवान के, मतलब पोस्टर वगैरह थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन है तो उस हिसाब से सब वहीं फ़ोटो खींच सकते हैं, अंदर तो अलाउ है नहीं, तो यहाँ खींच सकते हैं। तो उस हिसाब से निशानी के तौर पर लोग यहाँ अपने फ़ोन से कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं और ये सब बैठ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस टाइम पे गए थे वहाँ बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी थी, उमस थी, मच्छर भी थे, गर्मी तो बहुत थी, उमस थी। देखो सबके कपड़े थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं पसीने से। तो गर्मी को मारिए दोस्तों गोली। और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़। तो ये देखिए कोई संघ है जो भगवान श्री राम जी के दर्शन करने आए, और ये संघ में देखना आप कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और सबके हाथ में भगवान श्री राम जी का झंडा है इनके हाथ में, सबके हाथ में देखिए प्रभु श्री राम का झंडा ले रखा है इन्होंने। और ये बहुत बड़ी टीम है, पता नहीं ये संघ कहाँ से आया है पर बहुत सारे लोग आए हैं। तो ये देखिए कि अभी तक भी वहाँ कितने लोग आते ही जा रहे हैं, तो ये भीड़ बढ़ती जा रही है, मतलब कि बहुत लोग आते हैं राम जी के दर्शन करने। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको भी जरूर जाना चाहिए, अभी दर्शन करने जाइए, फिर जब मंदिर बहुत अच्छा पूरी तरीके से तैयार हो जाइए तो फिर और जाइए और वहां जाकर दर्शन कीजिए और मंदिर घूमने का मजा लीजिए। अभी तो ये मंदिर थोड़ा काम इसमें बाकी है, पर कोई नहीं, जो सुकून मिलता है वहाँ जाने में वो सच्ची में तारीफ़ काबिल है। तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए दोस्तों, बहुत ही आनंदमय अनुभव था हमारा। तो मंदिर से बाहर निकलकर हम चले गए थे मंदिर के पास में एक हनुमान गढ़ी करके एक जगह है जहाँ हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर है। तो हम चले गए हनुमान जी के दर्शन करने, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन किए और हनुमान जी को भूल जाएं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के सबसे बड़े भक्त जो ठहरे। तो हम आ गए हनुमान जी के मंदिर में। ये देखिए हनुमान गढ़ी नाम से ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छा मंदिर है, और यहाँ पे भी लगी हुई थी अगेन भीड़। तो भीड़ का सामना करना पड़ रहा था हमें, हम लगे हुए हैं लाइन में। ये भीड़ जैसे ही थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी कम होगी तो इनमें अंदर जाकर हम कर लेंगे भगवान जी के दर्शन। और ये देखिए हम वहाँ से निकलकर आ गए हैं, ये है दशरथ महल या कनक भवन, दोनों में से कुछ एक है। हाँ, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ आई एम टोटली कंफ्यूज, क्योंकि मुझे लगा ये कनक भवन है, हमें सबको लगा था ये कनक भवन है और कोई बोल रहा था ये दशरथ भवन है, महल है, तो उस हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। पर कोई नहीं, हमने दर्शन कर लिए आराम से और अच्छे से हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए, थोड़े मंदिर में घूम लिया आराम से। और घूमने के साथ ही यहाँ वही फिर से आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि गर्मी का तो पता नहीं क्या किया जाए, क्योंकि गर्मी सच में बहुत तेज थी, हम घूम ही नहीं पा रहे थे। हम राम मंदिर से सीधा यहाँ आए और यहाँ से अब मुझे लगता है कि हमें वापस होटल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए यहाँ पे पंखे वंखे चल रहे फिर भी गर्मी लग रही है। अभी देखना हमारी टीम वही इंतज़ार और वही कर रही होगी, कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ा सा परेशान सारे ही हो गए थे, क्योंकि गर्मी सच में यार बहुत थी, हवा चल नहीं रही थी और उमस हो रही थी ज़ोरदार वाली, तो उस हिसाब से परेशान थोड़े हो गए थे। ये देखिए ये रही टीम। ओ टीम तो अब आई है अंदर, हम तो कब से आ गए, ये तो अभी आ रहे हैं, ये लेट हो गए। तो देखना इनको गर्मी भी परेशान करेगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम अब यहाँ से सीधा चले जाएंगे कहाँ हमारी होटल में, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत तेज़ है और हमारे ही टीम मेंबर में से किसी एक की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, तो उस हिसाब से हमें लगा कि गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, उसमें नहीं करना चाहिए ये सब। तो हमने सोचा है कि हम ऐसा करते हैं घर पे जाएंगे, थोड़ा दोपहर का टाइम टलेगा तो शाम का होगा, तो शाम को निकलेंगे वापस घूमने, क्योंकि घूमने की जगह तो अभी बहुत सारी रह गई है। तो हम उस हिसाब से थोड़ी देर जाएंगे होटल और होटल में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में शाम को वापस आएंगे और करेंगे दर्शन। तो ये देखिए हमारी टीम, ये एडमिन साहब, ये इनके बच्चे और ये देखिए हमारी महिला मंडल, सारी गर्मी से परेशान हैं तो धीरे धीरे आए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत गर्मी थी। देखिए ये देखिए सब अपनी हवा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी सच में ज़्यादा ही लग रही है। और ये है रोहित और विजयलक्ष्मी जो कब के आ चुके थे हमारे साथ ही, और ये बैठे हैं, सब दर्शन करने लगे हैं। सब दर्शन करने के बाद हम जाएंगे वापस
होटल, और होटल जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम घूमेंगे दूसरी जगह, जैसे सरयू घाट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आपको ब्लॉग में दिखने को मिलेगी। और ये ब्लॉग भी वैसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसे भी मुझे लगता है थोड़ा सा विराम देना चाहिए और थर्ड पार्ट में ही सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो बाय दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तीसरे पार्ट का इंतज़ार करते रहिए।